जी गाइस, अभी का खुलासा ये है कि रात को जिस जगह पे मैं अपना चिक्स लेने गया था भाईजान के पास, उन्होंने एक रास्ता बताया था वापसी पे शॉर्टकट का कि आप इधर से निकल जाएं। हमने वो रास्ता इख्तियार किया और हमारी बदकिस्मती और बैड लक हो गई कि हमने वहाँ से टर्न लेते साथ ही देखा कि मशीन है और एक मशीन है पेट्रोल वाली जो है, तो वहीं से हमने पेट्रोल डलवाया। डलवाया क्यों वहाँ पे? कि वहीं पे हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया और मजबूरी ये थी कि वहीं पे डलवाना पड़ा। उसकी सजा ये मिली है कि जब मैं अब आज इलाके जाने लगा था फैमिली को रेडी करके, तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई। तो उसकी वजह क्या थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरी हालत देख लें, एक घंटे से मुझे पता है कि मैं इसको कर कुछ नहीं सकता, मकैनिक ही इसका हल करेगा, लेकिन बेबसी में अपना ट्राई मार रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ रास्ता निकले, लेकिन नामुमकिन सी बात लग रही है। लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको उस हरामजादे ने हमारे साथ किया क्या है। हमारे साथ किया ये है गाइस के उसने ये देख रहे हैं आप, ये पानी है सारा, ये सारा का सारा ये जो निकल रहा है ना ये पानी है, ये देखें, ये पेट्रोल नहीं है, देख रहे। मेरा कुछ नहीं किया, मेरा 400-500 हज़ार रुपया लग जाएगा, लेकिन उस कुत्ते ने जो बेईमानी की है ना, उसका जो है उसको इधर नहीं तो ऊपर जाके हर जाना ज़रूर अदा करना पड़ेगा इंशाल्लाह। चेक कर लेते हैं। आओ जी, जा जी, की हाल ने? अभी इस बाइक से पेट्रोल निकालने लगा हूँ, तो देखते हैं। चाबी दे नाल जुगत ला गए साडा की जाना है। जा बड़ा लाइट टाइटर है। लो जी प्यारे दोस्त, अब देखते हैं बिस्मिल्ला पढ़ के किक मार के। बच गए जे, कितने बजा रहे?
उस टीचर की खैर है यार, कितने बजा जा साहब सुट तो बजे। बस वो स्लिप हो गई खुला है। एक सेकंड पढ़ के रखने लगे। भाई साहब साढ़े कोर्ट से 11 बजे काम था हमारा। रेस नहीं तुम उन्होंने देनी जी। गाइस अपना बाइक तो स्टार्ट हो गई है लेकिन चचा को चोट जो है ना वो गहरी लग गई है। तुम भला छड़ दो तुम इन्हू हाथ क्यों बांध है अपने आप तो बचाओ तुम्हें इनका की चक्कर। यार मैं काम कर रहा हूँ आपको पता नहीं चलता भाई। चलो तो ठीक है गाइस, यहाँ तक वीडियो का देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, हमारे लिए दुआगो रहें कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ को याद रखिएगा।